के बंधन को। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज, हो गई है फाइनली आज रक्षाबंधन की सुबह। तो आज है रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और आज तो ऐसा रक्षाबंधन है कि हम सब अपने भाइयों को राखी भी नहीं बांध पा रहे हैं, बट कोई नहीं, पहले जान की सुरक्षा है, क्योंकि इस वायरस से बचना आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राखी तो नेक्स्ट ईयर फिर से आएगी, तो इसीलिए इस साल हम लोग गए नहीं राखी पे। भैया के यहाँ ना, तो भैया को ही बुलाया, क्योंकि बहुत रिस्की है इस टाइम पे जर्नी करना। तो सुबह सुबह मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, एंड पसीना देखिए मेरा। और फाइनली आज मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ। नॉर्मली मैं लिविंग रूम में बैठी रहती हूँ, तो वहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ क्योंकि अभी अभी जस्ट नहाया है मैंने, एंड बाल वगैरह ऐसे ही बना लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो एंड ये जो मैंने ड्रेस पहनी है, ये मेरे भैया ने मुझे इस राखी पे गिफ्ट किया है, तो मैंने सोचा चलो मैं पहन लेती हूँ। तो मेरा गिफ्ट पहले आ गया और वो मैंने पहन भी लिया, एंड बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी सी ड्रेस है। ड्रेस कह सकते हैं आप, लॉन्ग कुर्ती कह सकते हैं, जो भी। तो ससुराल में हूँ तो मैंने इसको लेगिंग्स और दुपट्टे के साथ ही पहना है, कोलकाता में पहनूंगी ड्रेस की तरह। तो फिर कैसा लग रहा है, मेरी ड्रेस कैसी लग रही जरूर बताना। एंड उसके साथ आजकल मैं बड़ा वाला मंगलसूत्र कैरी कर लेती हूँ, छोटा वाला एक्चुअली उतार के रख दिया, वो थोड़ा गर्मी यहाँ ज़्यादा है तो चुभता है, तो इसलिए उतार के रख दिया। एंड ये बड़ा वाला इजी रहता है कि खटाक से पहन लो और फिर जब भी उतारना हो रात में उतार के रख दो। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं आज के मेन्यू में क्या क्या है। अभी सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे क्या बनेगा, स्पेशली मेरे देवर, क्योंकि उनको खाने का बड़ा शौक है और वो बताते रहते हैं कि आज ये बनेगा वो बनेगा, तो उन्हीं से पूछ के बनाऊंगी मैं, बाकी घर वालों से भी। तो चलिए करते हैं आज के खूबसूरत दिन की शुरुआत, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस आ गई हूँ मैं किचन में, और ये देखिए सारे बर्तन अभी लगाने हैं, सुबह सुबह आंटी धो के रही है तो बर्तन अभी लगाना है। सॉरी। और इसके बाद फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो आज ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है अभी देखते हैं। मैंने वैसे इडली और डोसे का बैटर बना के रखा है, कल बनाया था एक्चुअली, और शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे उसकी डिटेल में पूरी रेसिपी है कि कैसे है।
आज खाने में बनेगी पनीर बिरयानी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें तेल डाल दिया है। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, सबसे पहले मैं थोड़े से प्याज को फ्राई करके रख लूँगी। जो फ्राइड अनियन होता है बिरयानी में डालने के लिए, वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो अनियन को हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से, इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। और फिर ये अनियन, आप कोई भी बिरयानी बनाइए तो इस तरह का जो प्याज है, मतलब वो फ्राई करके रख लीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो बस अब मैं इसे निकाल लूँगी। और ये आपको थोड़े से लाइट ब्राउन दिख रही होगी, बट हम इसे जब निकाल के प्लेट में रखेंगे ना, तो अभी ये ठंडे होके थोड़ी सी और डार्क कलर की हो जाएगी। तो हमें जैसा चाहिए ये अनियन बिल्कुल ही वैसा हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो गैस में दूसरी तरफ मैंने भगोने में पानी चढ़ा दिया है, और पानी में मैंने नमक डाल दिया है और खड़े मसाले डाल दिए हैं। तो एक तरफ मैंने गैस पे चावल पकने के लिए रख दिया है, मतलब पानी रख दिया है, जैसे पानी बॉयल हो जाएगा तो वो उसमें मैं राइस ऐड कर दूंगी। और राइस को मैंने भिगो के रख दिया है आधे घंटे पहले से, बिरयानी राइस को। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, तेज पत्ता है, लौंग है, काली मिर्च है और जीरा है। और सारी मसाले डालने के बाद फिर मैंने इसमें दो बड़े साइज़ का प्याज पतला पतला काट कर डाल दिया है। तो अभी हम ये बिरयानी की जो पनीर बिरयानी बना रहे हैं, तो जो पनीर की एक सब्ज़ी बनेगी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बस हम इसको इस तरह से चला के तड़के जैसा पका लेंगे प्याज को। फिर इसमें अभी बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। पनीर बिरयानी ना बहुत इजी होती है, मैं कई बार अपने चैनल पे दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, और इसकी रेसिपी भी डिटेल में भी अपलोड किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो बहुत इजी होती है और क्विकली बन जाती है जल्दी जल्दी से, और बहुत टेस्टी लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। तो यहाँ पर बस हम प्याज को पकाएंगे, एंड प्याज को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस इस तरह से हम बीच बीच में चला चला के प्याज को पका लेंगे। तो जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, मैंने इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। मैंने घर में ही बनाया है ऐसे ही कूट के, दरदरा सा। आप चाहे तो पेस्ट ऐड कर सकते हैं मार्केट वाला। उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्च। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तड़का हमारा पक गया है, तो अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं, एंड ऊपर से मैं इसमें नमक डाल दूँगी जिससे कि टमाटर जल्दी से गल जाए। नमक थोड़ा कम डालेंगी क्योंकि ऑलरेडी राइस में नमक है। तो टमाटर हमारे गल गए हैं, नमक डालने से थोड़ा जल्दी गल जाते हैं। उसके बाद फिर हम इसे मैश कर देंगे अच्छे से चमचे की सहायता से अच्छे से, ताकि जो तड़का है और टमाटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें पिसे मसाले ऐड करेंगे कुछ कुछ, तो आप अपने हिसाब से मसाले डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे बिरयानी पाउडर डालूँगी थोड़ा सा, एंड सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर डाला है आधा चम्मच। और इसमें बहुत सारे मसाले नहीं पड़ते हैं, बस थोड़े थोड़े ही पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद फिर मैं इसमें बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें बहुत मतलब पीला कलर नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच लगभग बिरयानी पाउडर ऐड कर दिया है, ये शाही बिरयानी पाउडर है वेज वाला, वो ऐड किया है, तो क्योंकि मैं वेज बिरयानी बना रही हूँ इसलिए। और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है उसमें मसाला पड़ते ही, और अभी बस बिरयानी मसाला और धनिया पाउडर ही डाला है मैंने इसमें। तो अभी मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी, और मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच से कम ही है ये। तो बस हल्दी पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, एंड आप इसमें चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो मसाले जैसे ही भून जाएंगे अच्छे से, सारे मसाले डाल के मैंने भून लिया था अच्छे से मसालों को लगभग 1 मिनट। उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 शिमला मिर्च बड़े साइज़ की काट ली थी,
तो वो ऐड कर दी है। और इसमें और भी वेजीज आप डाल सकते हैं, जैसे कि बेबी कॉर्न, शिमला मिर्च, गोभी, मटर, तो ये वेज बिरयानी जैसा बन जाएगा बिल्कुल। तो मैंने शिमला मिर्च डाला है और कोई सब्ज़ी नहीं डाली है। उसके बाद फिर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है, जो पनीर हमने काट के रखा था वो। और पनीर डालने के बाद हमें बहुत हल्के हाथों से इसको चलाना है, नहीं तो पनीर टूट जाएगा। तो बस इस तरह से हम मसालों में शिमला मिर्च और पनीर को मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो गैस की दूसरी साइड मैं बिरयानी राइस पका रही हूँ। तो जो मसाले वाला पानी मैंने रखा था, वो जब अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने उसमें राइस ऐड कर दिया है। राइस को मैंने आधे घंटे पानी में भिगा करके रखा था, सोख करके। तो ये देखिए, ये बिरयानी राइस है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जितना क्वांटिटी में मुझे चाहिए था, मैंने उतना ऐड कर दिया है। तो बस अब हमें चावल को 80% पकाना है, पूरा 100% नहीं पकाना है, क्योंकि बाकी का जो 20% है वो दम में पकेगा। तो इसीलिए हम बस बिरयानी राइस को 80% तक ही पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारे चावल 80% पक गए हैं। अब मैं बस इन्हें पानी से छान लूँगी एक बर्तन में, ताकि इसका सारा पानी छन जाए। तो दूसरी तरफ हमारी जो बिरयानी की सब्जी है, पनीर वाली, वो भी बनकर रेडी है। तो शिमला मिर्च पक गया है अच्छे से, थोड़ा हमें इसे क्रंची सा ही रखना है, एकदम गलाना नहीं है शिमला मिर्च को। और बस हम गैस को ऑफ कर देंगे और बस हमारा फाइनल जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो अब हम करेंगे बिरयानी की लेयरिंग और फिर उसे दम पे बैठा देंगे, और इसके बाद हमारी बिरयानी हो जाएगी रेडी। तो अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने बड़ा भगोना ले लिया, उसमें थोड़ा सा घी डाल लिया था नीचे, ताकि चावल चिपके ना। उसके बाद मैंने राइस जो छान के रखा था, उसकी मैं पहले एक लेयर लगा दूंगी, मोटी सी लेयर, बहुत पतली नहीं, बहुत मोटी नहीं। तो उस तरह से मैं इसकी लेयर लगा दूंगी। और इसके बाद फिर इसमें हम जो सब्जी है हमारी, हमने जो पनीर और शिमला मिर्च डाल के बनाया है, वो उसकी एक लेयर लगाएंगे। तो इसी तरह से जब ज़्यादा बिरयानी होती है तो मैं लेयरिंग करके बनाती हूँ, वरना मैं कोलकाता में तो जिस बर्तन में बनाती हूँ, एक ही बर्तन में दम पे भी बिठा देती हूँ, क्योंकि वहाँ दो ही लोगों का बनता है तो हो जाता है। लेकिन यहाँ ज़्यादा लोगों का बनाना है, तो इसलिए मैंने पूरे प्रोसेस से किया है। तो बस चावल की एक लेयर लगा दी, ऊपर से मैंने पनीर की एक लेयर लगा दी है सब्जी की, और उसमें ऊपर से हम पुदीना ऐड कर देंगे। फ्रेश पुदीना है हमारे, गमले से तोड़ के लाए हैं हम, तो उसका तो टेस्ट ही अलग है, बिल्कुल महक रहा है। तो बस इसमें मैंने पुदीना ऐड कर दिया है, और अच्छे से ऐड कर देंगे ताकि बढ़िया सा टेस्ट आए। और फिर हम इसमें, हमने जो फ्राइड अनियन करके रखा हुआ है, उसको, उसकी भी एक लेयर लगा देंगे। लेयर मीन्स थोड़ा सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, इस तरह से। तो हम इस तरह से हमने जो फ्राइड अनियन है वो भी डाल दिया है, और फिर हम अगेन राइस की लेयर करेंगे। और फिर इसी तरह से हमारा प्रोसेस चलेगा जब तक कि पूरा चावल और सब्जी ख़त्म ना हो जाए। तो चलिए हम फटाफट पहले लेयर कर लेते हैं, फिर दम पे बिठाते हैं। तो बस इसी तरह से हम सारी लेयरिंग कर लेंगे पहले। और ये लेयरिंग करना तो मैंने आप लोगों को कई कई बार बताया है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं बिरयानी बहुत बनाती रहती हूँ, जैसा कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो इसी तरह से फटाफट लेयरिंग करेंगे। एंड यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ नहीं है, तो मैंने नहीं डाली है। एक तो मेरे पास केवड़ा जल नहीं है यहाँ घर पर, और दूसरा कलर, फूड कलर नहीं है, जिससे कि बिरयानी में बहुत अच्छा कलर आता है। बट ठीक है, जो है वही, उसी में बना लिया है मैंने। तो बस ये फाइनल लेयरिंग हो रही है, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल दिया था, ताकि हल्का सा चटपटा सा टेस्ट आ जाए इसके लिए। तो बस फाइनल हो गया है, पूरा भगोना मेरा भर गया है, और क्योंकि ज़्यादा सा बना था, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और घर में सबको बिरयानी खाने का मन था। तो बस मैंने पनीर बिरयानी बनाया था, रायता बनाया था और चटनी,
और सेवैयाँ बनाई थी बस, और कुछ भी नहीं बनाया था। तो बस मैंने बस बिरयानी की रेसिपी दिखाई, बाकी सब तो सिंपल ही है। तो बस ये फाइनल लेयरिंग हो गई, ऊपर से सारी चीज़ें डाल दी, धनिया पुदीना, फ्राइड अनियन, और बस घी डाल देंगे साइड साइड से। और आपके पास फूड कलर हो तो फूड कलर डाल दीजिए, केसर भी डाल सकते हैं आप। एंड बस हमारी बिरयानी दम पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ऊपर से मैंने इसे एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह से कवर कर दिया है ताकि आसपास से बिल्कुल भी गैस ना, भाप ना निकले स्टीम इसकी, और तभी अच्छा सा फ्लेवर आएगा बिरयानी का। तो बस इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे और बस ढक्कन लगा देंगे और इसे दम पे बिठा देंगे। तो बस अभी हम यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है बिरयानी को दम पे बिठाने के लिए, और एक तवा रख दिया है, और उसके ऊपर फिर हम ये बिरयानी वाला भगोना रख देंगे। एंड यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है, तो मीडियम फ्लेम पे पहले 10 मिनट दम पे बिठाएंगे, फिर हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए बिठाएंगे। तो ये देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो खाना वाना बन गया है हमारा। एंड यहाँ पे शुरू हो गए राखी सेलिब्रेशन, शुरू हो गया है। तो ये इन्हें तो आप पहचानते ही हैं, पति देव हैं, बैठे हुए हैं राखी बंधवाने के लिए, और ये इनकी कज़न सिस्टर हैं, बुआ की लड़की, तो वही राखी बांध रही हैं इनको। तो इस बार तो कोई भी और कोई दीदी वगैरह नहीं आई हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो लोग बाहर की सिटी में हैं वो नहीं आए हैं, ये लोग लोकल ही थे, तो इसलिए ये लोग आ गए, बुआ लोग आ गई हैं, तो इनको राखी बांध रही हैं। तो यहाँ पर मुझे भी जो दी आई थी वो राखी बांध रही थी, और मैं देखी कैसे बीमार बीमार सी लग रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी इस वजह से, एंड मैंने चेंज वेंज भी कर लिया था। तो चलिए हम लोग राखी सेलिब्रेट करके फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर बैठी है मेरी फैमिली, तो सब लोगों को मैंने बोला कि एक बार मेरे ब्लॉग में सब लोग हाँ कर दीजिए। तो इनको तो आप जानते हैं, पति देव हैं, ये फूफा जी हैं, और वो रेड ड्रेस में बुआ जी हैं, और बुआ जी के दोनों बच्चे हैं, एंड ये मेरे देवर हैं, और ये मेरी सासू माँ हैं। तो सभी लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा आप सबको मिला दूँ अपने इन ब्लॉग पे। तो चलिए मिल लीजिए आप लोग भी। तो बस यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं, और ये रही बिरयानी, और बिरयानी मैं दिखाना आप लोग को भूल गई थी प्लेट में निकाल के, तो खाते वक्त याद आया तो दिखा दिया। तो अभी मिल लीजिए आप मेरे भाइयों से। तो ये है मेरे बड़े भाई, और ये है मेरे छोटे भाई, तो मेरे दो भाई हैं, दोनों भाइयों से मिल लीजिए। तो चलिए ये ब्लॉग यही एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।